opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे जो है वो जरा दे देते हैं हम, पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनी वेयर. वीरू, आप कप्तानी कर चुके हैं, आप बताइए जी, हमारे कप्तान हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, बर्थडे बॉय भी है, क्या करें अपनी टीम को अनलॉक करने के लिए, ये दो अंक अनलॉक करने के लिए रोहित शर्मा. देखिए, अब तो एक ही चीज कह सकते हैं कि जब हम लोग क्वालिफाई तो नहीं कर सकते, अब एक अपनी प्राइड है, उस प्राइड के लिए खेल सकते हैं. अगर ये मैच भी हार जाते तो मुझे लगता है कि फिर कायरन पोलार्ड और रोहित शर्मा को भी थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए कि भाई और खिलाड़ी को चेक कर लो आप, क्योंकि हम खेल के भी अगर नहीं जिता पा रहे, 10 मैच हार गए लगातार, तो बेहतर है कि नए युवा खिलाड़ियों को बाकी 4 मैच खेलने दो, हो सकता है उनमें से कोई स्टार बन के निकल आए. तो मेरी एडवाइस तो यही, जाओ और उनको बोलो कि अब हार, अब तो पहुँच नहीं सकते, तो आप अपनी प्राइड के लिए खेलो, अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलो और कोशिश करो कि अब ये मैच जीत के जाए. अदरवाइज और कोई और मोटिवेशन के लिए और कुछ बचा नहीं है. क्योंकि एक मोटिवेशन ये होता है ना कि आप प्ले ऑफ में जाना है तो आपको अच्छा खेलना है. अब प्ले ऑफ में तो आप जा नहीं सकते, अब सिर्फ सेल्फ प्राइड है, अपनी प्राइड के लिए खेलो, मुंबई इंडियन की प्राइड के लिए खेलो, अपने ओनर्स के लिए खेलो जो आपका इतना ख्याल रखते हैं, हर चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको बैक करते हैं. तो अब सिर्फ वही है, या तो अपने ओनर की प्राइड के लिए खेलो, अपनी प्राइड के लिए खेलो.